नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी पुरवैया और आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अगस्ता डील मामले की। अगस्ता डील मामले पर आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे, साथ ही वो कांग्रेस की ओर से पूछे गए 10 सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी अपर हाउस में दलील देंगे। अगस्ता घोटाले पर होगी आर पार की लड़ाई। मिस सोनिया गांधी इज द मेन। स्वामी ने रचा चक्रव्यूह, युद्ध का आगाज करेंगे मनोहर पर्रिकर। द इश्यू इज रेज, कैन आई रिप्लाई टू यू। वीवीआईपी घोटालों में आज वीवीआईपी लोगों से पर्रिकर मांगेंगे जवाब। संसद भवन में उठेगा हर राज से पर्दा। कांग्रेस पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का हेलीकॉप्टर शॉट। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर आज संसद में सरकार का पक्ष रखेंगे। मनोहर पर्रिकर संसद में हर बात तफसील से रखेंगे। कांग्रेस से वो हर सवाल पूछेंगे। विस्तार से सभी तथ्यों के साथ संसद में सरकार की बात रखेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पहले ही कह चुके हैं कि संसद में हेलीकॉप्टर डील से जुड़ी हर बात रखेंगे। किस तरह नियमों में गैरकानूनी ढंग से ढील दी गई। रक्षा मंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 4 मई को इस मामले पर जवाब देंगे। जाहिर है जवाब मिलेगा तो खुलासे भी होंगे। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली की अदालत के फैसले में कुछ नामों का जिक्र आया। सवाल ये उठता है कि क्या पर्रिकर उन नामों का संसद में खुलासा करेंगे? क्या पर्रिकर रिश्वतखोरी के इस खेल के खिलाड़ियों के नाम बताएंगे? क्या पर्रिकर बताएंगे कि किसने कितनी रिश्वत ली? अगस्ता वेस्टलैंड पर इटली की कोर्ट में आए फैसले के बाद यूं तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि संसद में सारे घटनाक्रम सिलसिलेवार रखे जाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह कंपनी के मुताबिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को जवाब तो देना ही होगा। उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी 11 मई नहीं बोलूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में मुझे जवाब देना। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहले ही सवाल उठाया था कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के खिलाफ 2014 तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तत्कालीन यूपीए सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सत्ता में रह चुकी यूपीए सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में किसने रिश्वत ली। उन्होंने कब ब्लैकलिस्ट किया था, ये पहला सवाल उनसे पूछो। उसका जवाब आ गया कि बाद में मैं इसके ऊपर आपको जवाब दे, वो पार्लियामेंट में आपको पूरा जो कुछ ले लूंगा वो आपको पार्लियामेंट में। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। आपको याद होगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने घोटाले से जोड़कर जैसे ही संसद भवन में सोनिया गांधी का नाम लिया तो हंगामा मच गया। सोनिया गांधी इज द मेन। यहाँ आपका ये समझना जरूरी है कि आखिर सोनिया गांधी का नाम लिए जाने से कांग्रेस का पूरा कुंबा क्यों भड़क गया। बात 2010 की है, जब तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 3600 करोड़ रुपए की डील की गई, जिसमें 360 करोड़ रुपए की कमीशन की बात सामने आई और 2013 में डील रद्द कर दी गई। लेकिन तब तक 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील की 30% कीमत चुकाई जा चुकी थी। अगस्ता वेस्टलैंड डील में हुई अनियमितता पर इटली की एक अदालत ने फैसला दिया, जिसमें भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। इटालियन कोर्ट के फैसले में कांग्रेस के नेताओं के अलावा
पूर्व इंडियन एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इटली से मिले दस्तावेजों को दिखाकर त्यागी से सवाल किए। त्यागी ने मान लिया कि 2005 में वो फिन मैकेनिका के सीओओ से मिले थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड फिन मैकेनिका की सब्सिडियरी कंपनी है। ये भी पता चला है कि एसपी त्यागी नोएडा की तीन कंपनियों के मालिक हैं।